सिमडेगा जिले के लिए बनमारा गांव एक रोल मॉडल बन गया है और इस गांव के सभी लोगों ने कोरोना का टीका ले लिया है और अब तक किसी को इस गांव में कोरोना नहीं हुआ है। बनमारा सिमडेगा जिले का एक सुदूरवर्ती गांव है जहां के लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए सामूहिक पहल की और इसके परिणाम ये हुए कि आज इस गांव में 100% लोगों को टीका लग गया है। रिपोर्ट देखें। जिले भर के लिए रोल मॉडल बना बनमारा गांव। पूरे गांव में 100% हुआ कोरोना का टीकाकरण। अब तक किसी को नहीं हुआ गांव में कोरोना। वैक्सीनेशन के लिए गांव वालों ने की सामूहिक पहल। पहली नजर में आप धोखा खा सकते हैं। यहां के ज्यादातर घर मिट्टी के हैं। लोग भी साधारण दिखते हैं, लेकिन लोगों ने असाधारण काम किया है। अब तक ये गांव कोरोना से अछूता रहा है और लोगों की सूझबूझ से 100% लोगों को टीका भी लगा है और सबका सब कोरोना टीका ले लिए हैं। भय नहीं हुआ। भय तो हो रहा था, लेकिन तब मतलब हम लोग जाने कि इसमें हम लोगों का जीवन ही सुरक्षित होगा कह के सब कोई ले लिए। बनमारा है, यहाँ से 100% पूरा हो गया। 300 से कुछ अधिक लिए हैं, यानी 314-15 इतना हो जाएंगे। तो सभी लोग को टीका लग गया है? सबको लग गया है पहला। कोरोना टीकाकरण के लिए पहले थोड़ी हिचक हुई, लेकिन सामूहिक पहल और जागरूकता के बाद लोग खुद ही टीकाकरण के लिए आगे आने लगे। आज इस गांव ने जिले का कद भी बढ़ा दिया है। यहां पर डीसी साहब आया था, टीकाकरण पूरा गांव का हो गया, इसलिए खुश होके आने की जो मांगना है वो बोलो, हम देंगे। ऐसा बोल के खेल मैदान को अपना मन से दिया। साथ ही साथ बनमारा जो है, इन्होंने जिले का नाम रोशन किया। दूर दराज से पूरे नेशनल मीडिया और सभी लोगों ने इसका कवरेज भी किया कि ये किस प्रकार से एक गांव स्तर पर इसको लोगों ने 100% वैक्सीनेशन किया। और मैं कहूँगा कि इसका सिर्फ एक ही सार था कि उन लोग गांव के चबूतरा में हर हफ्ता जरूर से बैठ के अपने बातों को, मामलों को डिस्कस करते थे और वहां पर ही निर्णय लेते थे कि क्या करना है। ये एक आदिवासी बहुल गांव की सीख है और जरूरत है कि हम भी उस सीख को अपनाएं और कोरोना को हराने में एक कदम आगे बढ़ाएं। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। तो इस गांव ने एक मिसाल कायम की है। ये पूरा का पूरा गांव वैक्सीनेट हो चुका है और अब सीधा रुख करेंगे सिमडेगा का। सहयोगी आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, बनमारा गांव तो आज एक मिसाल कायम कर रहा है, पूरा गांव वैक्सीनेट हो चुका है। ये बिल्कुल, देखिए सिमडेगा का कुलुकेरा पंचायत का जो बनमारा गांव है, ये है तो छोटे से गांव, 400 आबादी का गांव, लेकिन ये छोटा गांव आज सिमडेगा के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल साबित हुआ। इस कोरोना काल के दूसरी लहर में इस गांव ने पूरी तरह संयम बरता और संक्रमण को अपने गांव में प्रवेश नहीं करने दिया। ये बहुत बड़ी बात है और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये गांव आज जागरूकता का परिचय देते हुए 100% वैक्सीनेशन ले चुका है। गांव के एक एक व्यक्ति जो कभी वैक्सीन से डरा करते थे, यहां की आंगनबाड़ी सेविका ने काफ़ी मेहनत की, उसे समझाया, एक गांव वालों का घर घर जाके समझाया और उसका ये परिणाम रहा कि आज पूरा का पूरा गांव वैक्सीनेट हो चुका है। यूँ कहा जा सकता है कि पूरा गांव कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है और पूरे सिमडेगा के लिए एक मिसाल बना हुआ है। डीसी सिमडेगा इस गांव से इतने प्रभावित हुए, इस गांव के जागरूकता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गांव वालों को ऑफर किया कि आप बोलिए क्या चाहिए। गांव वालों ने आने वाले भविष्य, बच्चों के भविष्य, खेल के भविष्य को देखते हुए एक खेल मैदान की मांग की और डीसी ने खेल मैदान दिया जो अभी निर्माणाधीन है। इसके अलावे सिमडेगा डीसी वहां सड़क और अन्य सुविधाएं भी देने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि गांव वालों की छोटी सी जागरूकता आज गांव में विकास की गंगा बहाने की तैयारी कर रही है। बनमारा का ये छोटा सा गांव
जो एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है, ये सिर्फ सिमडेगा के लिए नहीं हर वैसे लोगों के लिए एक मिसाल साबित करता है जो आज वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं या फिर सरकार के दिए हुए छूट में लापरवाही ये बरत रहे हैं। जिस तरह से ये गांव पूरी तरह से संयम के साथ रहा और संक्रमण मुक्त रहा, ये एक सीख देता है कि संयम के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड प्रोटोकॉल का जरूर पालन कीजिए। कोविड प्रोटोकॉल का अगर हम लगातार पालन करेंगे, वैक्सीनेशन लेंगे, तो आने वाला तीसरा लहर जो बहुत खतरनाक बताया जा रहा है, ये शायद हम पर प्रभावी ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारियों के लिए। तो बनमारा गांव आज की तारीख में एक मिसाल बन चुका है, रोल मॉडल बन चुका है। ऐसे ही तमाम लोगों को भी इस गांव की तरह सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि जब तक सारे लोग वैक्सीन नहीं ले लेंगे, कोरोना को मात देना मुमकिन नहीं होगा।